सत श्री अकाल जी। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसी वेख रहे हो, मैं तुहाडा मेज़बान कृष्ण सिंह। खबरां दी खबर च तुहाडा इस्तकबाल करदा। पंजाब नाल जुड़ियां सब तो वड्डियां खबरां ते मुख नज़र साडी बनी रहेगी। चार वड्डियां खबरां दा रुख करांगे। पहली ते सब तो अहम वड्डी खबर, सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू सने हाई कमांड ते हमलावर दिखाई दे रहे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार अटैक कर रहे ने। कैप्टन नवजोत सिद्धू नूं मुल्क दी सुरक्षा लई खतरा दस रहे ने। तकते चोणां विच नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ स्ट्रोंग उम्मीदवार उतारन दा वी जिक्र कर रहे ने। दूजे पासे बयानबाजी दा दौर जारी है। दूजी वड्डी खबर रहेगी, पंजाब दे विच प्रशासनिक फेरबदल जारी ने। जिहड़े कदे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे खास मन्ने जांदे सी, उहनां दी सब तो पहलां ते अहम फैसलां दे आधार ते छुट्टी कीती जा रही है। भावें उस च अटॉर्नी जनरल चीफ सकत्तर होण जां वड्डे पद्धर ते प्रशासनिक फेरबदल होना। अनिरुद्ध तिवाड़ी नूं पंजाब दा नवां चीफ सकत्तर बना दिता गया है। डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता दे धर्मपत्नी दी छुट्टी हो चुकी है। तो उधर दीपेंद्र पटवालिया पंजाब दे नवे अटॉर्नी जनरल बना दिते गए ने। अतुल नंदा सबका एजी, जिन्हां दीआं निड़तावां पंजाब दे सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल काफ़ी ज़्यादा सी। तीजी वड्डी खबर रहेगी, पंजाब की सियासत नाल जुड़ी हुई कि सुनील जाखड़ ने दिल्ली डेरे लाए ने। सुनील जाखड़ राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा गांधी नाल दिल्ली दे विच ने। सुनील जाखड़ दिल्ली जाण दे मुद्दे ते जिथे पंजाब की सियासत पखी हुई है, क्योंकि कैबिनेट फिर बदल नूं लैके कई चर्चावां ने कि वजारत विच कौन आउट होएगा, कौन बरकरार रहेगा। इस दे मद्देनज़र तरन तारण तो खबर है कि केटी हफ्ते तीन कारकुनां नूं गिरफ्तार किया गया। कई हथियार बरामद करन दा दावा किया गया है कि मोगा तो इस संबंधित कारकुन दसे जा रहे हैं। सो पंजाब दे विच दहशतगर्दां दे मुद्दे ते वख-वख सियासतदान भी बयान दिंदे रहे हैं। इन खबरां ते साडे सहयोगी लगातार सानूं अपडेट देणगे, उन्हां तों असीं जानकारी लवांगे। चार मेरे सहयोगी इस खबर ते बने रहणगे। कैप्टन दी नवजोत सिंह सिद्धू दे खिलाफ मोर्चाबंदी दे मायने की ने, नितिका महेश्वरी मेरे सहयोगी इसे ते जानकारी देणगे। तां पंजाब दे विच हो रहे वड्डे पद्धर दे प्रशासनिक फेरबदल दे मायने की ने, इसे ते मेरे सहयोगी नवजोत सिंह धालीवाल मैनूं रिपोर्ट करनगे। तां दूजे पासे दिल्ली दे विच जाखड़ दे डेरे ने अनमोल गुलाटी दसणगे कि डेरे जाखड़ दे ने, कि जाखड़ नूं कुछ मिलेगा जां फिर नहीं। तां तरन तारण भी लैके चलांगे, जिथे के टी एफ दे तीन कारकुन गिरफ्तार किए गए ने। मनीष शर्मा मेरे सहयोगी इसे ते जानकारी देणगे। सो खबरां विस्तार नाल दिखावांगे। सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिद्धू नूं मुल्क लई खतरा दस रहे ने कि सीएम बनन नहीं मैं दवांगा। दूजे पासे नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान नहीं आया। पंजाब दे सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान है कि तारां सिद्धू दियां पाकिस्तान नाल जुड़दियां ने। हाई कमांड नूं भी ताड़ना की गई है। प्रियंका वाड्रा गांधी राहुल गांधी दे सलाहकारां ते निशाना साध्या गया है। कांग्रेस 9 सीटां तो वध जित नहीं पाएगी, कैप्टन कह रहे ने। सबका मुख्यमंत्री पंजाब कांग्रेस दे थंब मन्ने जांदे कैप्टन अमरिंदर कह रहे ने कि कांग्रेस 9 सीटां तो वध नहीं जित सकदी। जिही हाल रहा नवजोत सिद्धू दे खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू की है कि स्ट्रोंग कैंडीडेट नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उतारूंगा। कांग्रेस विच रह के उतारनगे जां फिर बाहर जाके स्ट्रोंग कैंडीडेट उतारनगे, सवाल सब तो वड्डा यह है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके दित्ते बयान ते प्रतिक्रियावां ने शुरू हो चुके ने। कांग्रेस दे सीनियर बुलारे सुपीरियर ने बयान दिता, तो प्रगट सिंह दी भी प्रतिक्रिया आई है। लेकिन राजनीति में गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी और उनसे बदला लेने की भावना की कोई जगह नहीं है। हम आशा करते हैं कि वो अपनी कही हुई बातों पर अपनी ही समझदारी दिखाते हुए जरूर पुनर्विचार करेंगे, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के एक मजबूत योद्धा रहे। उनको कांग्रेस पार्टी ने 9 साल 9 महीने मुख्यमंत्री बनाया है। मैं ये सोचती हूं कि उनका अनुभव पब्लिक लाइफ में, उनका जीवन इस तरह की बातों को, उनके स्टैचर को सूट नहीं करता है और वो इस पर पुनर्विचार करेंगे। हम उनसे छोटे होने के नाते इसको उनका क्षणिक गुस्सा मानकर
जरूर भूलने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस तरह की शब्दावली की, द्वेष की, ईर्ष्या की और गुस्से की और बदले की भावना की मुझे नहीं लगता राजनीति में अपने के लिए भी या प्रतिद्वंदी के लिए भी ऐसी कुछ। चलो उन्हों का अपना तजर्बा हैगा जिंदगी का, हर बंदा हर इंसान अपनी एक किस्मत लिखा के लिया। बंदा जे बंदे नूं कुछ ना बंड देना चाहता हो शायद मेरा ख्याल है भी दूसरे बंदे नूं ईवन के दो टाइम की रोटी भी ना नसीब होवे। सो इस करके इदां दीआं गल्लां मैनूं लगता शोभा नहीं दिंदियां और इन्हां गल्लां दा मैनूं नहीं लगता क्योंकि साढ़े बहुत वड्डे लीडर हैगे आ रहे आ, लेकिन समा हुंदा असी समें नूं जदों भांपदे नहीं है, असी समें नूं अगे नहीं तोरदे ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨਸਪਰੈਂਸੀ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨਸਪਰੇਟਰ ਕੌਣ ਹੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਤਿਕਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? देखो किशन, जिहड़ा अज एक ट्वीट किया गया रविन ठुकराल वालों, जिहड़े कैप्टन अमरिंदर सिंह दे दोस्त भी ने ते उन्हां दे मीडिया एडवाइजर होया करदे सीगे, उन्हां वालों यह किया गया कि तुसी कह रहे हो कि एंगर की कोई थां नहीं है पॉलिटिक्स दे विच, की ह्यूमिलेशन की है, की इंसल्ट की है। तो नाल ही उन्हां वालों यह किया गया कि मेरे वर्गे सीनियर लीडर दे नाल जे अजिहा हो सकता है तो मैं सोचदा कि वर्कर्स दे नाल की हुंदा होएगा। यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ तौर पर हुण कांग्रेस नूं लैके भी सवाल चुक रहे ने, कांग्रेस दे आला कमान नूं लैके भी सवाल चुक रहे ने, क्योंकि तुसीं कल दा भी जिहड़ा उन्हां दा प्रेस रिलीज देखोगे उहदे विच भी उन्होंने प्रियंका गांधी ते नाल ही राहुल गांधी का जिक्र किया है कि वह इनएक्सपीरियंस ने, ते नाल ही तंज कसे है एडवाइजर्स ते, चाहे उहदे विच माकन हो, वेणुगोपाल होन या फिर सुरजेवाला होन, कि गलत सलाह जिहड़ी है वह दिती जा रही है। पर नाल ही तुहानूं दस दईए कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं लैके खुल के सामने आए ने कैप्टन अमरिंदर सिंह, ते इह भी चुनौती भी दित्ती है, नाले दावा भी किया है कि 2022 दे विच या फिर उस तो पहला भी नवजोत सिंह सिद्धू नूं किसी भी हालत दे विच ओह मुख्यमंत्री नहीं बनन देंगे। इस दे लई ओह किसी भी तरह की कोई कुर्बानी देने नूं तैयार ने, ते मुख्यमंत्री वालों शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यही कारण है कि अज उन्होंने बुलारे ने जिहड़े सुप्रिया, उन्होंने व्यक्ति विशेष की गल की, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल नवजोत सिंह सिद्धू नूं, पर नैतिका सब तो वड्डा सवाल यह है कि सुप्रिया जिहड़े सीनियर स्पोक्सपर्सन ऑफ कांग्रेस ने, वह कहिंदे आ ईरखा अते परसनल है किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कॉन्सपरेसी रचना लई पॉलिटिक्स विच कोई थां नहीं है, कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं लैके हाईकमांड कहड़ा एक्शन लै सकती है? देखो हाले तक जरूर लग रहा है जिस तरह आला कमान लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं नजरअंदाज कर रहे हैं, ते नाल ही उन्होंने दरकिनार किया जा रहा है हर थां ते, ता जरूर लग रहा है कि कोई ना कोई एक्शन जिहड़ा या तक आला कमान कैप्टन अमरिंदर दे खिलाफ लै सकती है, या हो सकता है कि कैप्टन अमरिंदर बिल्कुल एक्शन दोहां पासियां तो हो सकता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल दी घड़ी नीतिका जानकारी देने दे लई। कैप्टन एक्शन लैणगे जां हाईकमान एक्शन लवेगी? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਲਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2004 ਬੈਚ ਦੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM, ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। AG ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਪਿੰਦਰ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ 'ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਧੜਾ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ।
सो इस खबर से मेरे सहयोगी नवजोत सिंह धालीवाल मैनू जानकारी देंगे। नवजोत की लगता है, देखो ये रूटीन प्रैक्टिस मनी जा सकती है कि चीफ मिनिस्टर नवे ने सरकार नवी है तो फिर बदल सुभाविक समझिए सी? देखो जदों भी किसी पार्टी की सरकार बदलती है तो उन्होंने वालों अपनी पसंदीदा योग उम्मीदवार जोड़े है इन अहद्या उत्ते लाए जाते हैं। हालांकि बहुत ही दफा कई नाम है जोड़े वो नहीं भी बदले जाते, उन्होंने एक नाम सुरेश कुमार है। सुरेश कुमार हालांकि पहले ही अस्तीफा दे चुके हैं तो सुरेश कुमार कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार दे विच भी रहे हैं तो उस तो पहला जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल की सरकार है उहदे विच भी अहम जिम्मेवारियां अहुदियां दे उत्ते रहे आ। हाले तो कृष्ण ये शुरुआतां ने जिवें कहिंदे आ रहे कि आगे आगे देखो होता है क्या, हाले तो शुरुआत है। ये तो हुण विद इन पार्टी मसला आ गया, एक तो हुंदा सीगा पार्टी टू पार्टी, ये तो विद इन पार्टी है तो इस पार्टी दे विच हुण एक धड़े तो निकल के दूजे धड़े की सरकार बनी है। सो इस रूटीन असी कह सकते हैं, पर यह है भी जिवें पंजाबी दी अखाण है कि जिहदी डांग उहदा जोर, तो यह फिर जिहदा जोर चलता वह अगला अपनी चलाउंदा है तो अपने पसंदीदा उम्मीदवार लिआउंदा है कि उन्हां कोल इक एक्सक्यूज़ हुंदा है, एक बहाना हुंदा है, एक कहण लई गल हुंदी है कि जेकर असी अपने तरीके नाल सरकार चलाउणी है, अपने तरीके नाल असी काम करने तां सानूं अपने तरीके दे अपनी सोच दे जिहड़ी उन्हां दी सोच नाल हम हक होके चलण वाले लोग ने व्यक्ति ने उन्हां दे नाल जिहड़ा है वह काम करना वधेरे पसंद करनगे कि बजाए दूसरे। जिहड़ी OSD दी फौज लाई गई है उस तों इलावा जिहड़े दिनकर गुप्ता होरी जिहड़े कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हां दे बहुत करीबी ते सेंटर दे विच भी काफ़ी असर रसूख रखण वाले दिनकर गुप्ता, उन्हां दी पत्नी दी छुट्टी हुई है। तुसीं इह वी देखो कि चर्चावां जिहड़ियां ने नवें DGP अहुदे नूं लै के भी चल रहियां ने। उस तों इलावा जिवें एडवोकेट जनरल नूं बदलिया गया उस दे उत्ते सब तों वध हमलावर इह धड़ा रहिंदा सीगा कि आखिर असीं बाहर केस क्यों दिंदे आ, असीं जदों एड्डी लंबी फौज रख रखी है, असीं अपने एडवोकेट जनरल्स दी डिप्टी एडवोकेट जनरल्स दी लखां रुपए असीं बाहर जिहड़े आ होरना केसिस दे उत्ते जे ओह SYL दा केस होवे जां होर तमाम बहुत सारे केसिस आ जिन्हां लखां रुपए बाहरले वकीलों के उत्ते खर्च किए गए। सो अजिहे तमाम सवाल खड़े होंदे सी, उह सवालां दे दरम्यान जदों इह सरकार जिहड़ी आ पार्टी दे विच इक ही पार्टी दी सरकार है पर बदल गई दूजे धड़े दे विच तब्दील हो गई ते हुण उस तों बाद ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਬਾਦਲੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੀਕਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵਜੋਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਤਿਆ तो पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान सुनील जाखड़ भी राहुल प्रियंका वाड्रा गांधी के नाल एयरपोर्ट से दिखाई देते। क्यास रही कई ने कि पंजाब वजारत विच वड्डे पद्धर से कई सियासतदानों की छुट्टी हो सकती है। सुनील जाखड़ दीयां चर्चावां पंजाब के मुख्यमंत्री के तौर पर पेश सी पर सारियां क्यास रही विराम चिन्ह उस वेले लग्या जदों चरणजीत सिंह चन्नी नूं पंजाब दा मुख्यमंत्री थाप दिता गया है। पर सुनील जाखड़ नूं कोई वड्डा अहुदा मिलेगा जां फिर वड्डा अहुदा नहीं मिलेगा? सुनील जाखड़ वो लीडर ने जिन्होंने सी मीटिंग नूं जो मीटिंग CLP दी 5 बजे कुछ दिन पहला सद्दी गई सी उस ते सब तो पहला राहुल गांधी नूं वधाइयां दित्तियां कि तुसी लैगजेंडर फैसला लेता है, बहुत वधिया तुसी फैसला लेता है। मेरे सहयोगी अनमोल सिंह गुलाटी इसे खबर से जानकारी देंगे। अनमोल, जाखड़ साहब का की बनेगा, की है सियासी भविख? जी बिल्कुल, साफ तौर पर गल की जाए तो एक पासे क्यास राइया लाई जा रही सीगियां कि जदों चन्नी पहला दिल्ली पहुँचे सीगे तो उदों वह किसनों मिलन पहुँचे ने, क्योंकि हरीश रावत जिहड़े कि वह दिल्ली सीगे, हाईकमान पूरी हिमाचल सीगी तो हरीश रावत नाल मुलाकात करके जिहड़ा कि वह वापसी पंजाब वल मुड़ाउंदे ने। लेकिन उस तो बाद जो हाईकमान कल शाम नूं पता लगता कि हाईकमान शिमला तो निकल चुकी है बाय रोड चंडीगढ़ एयरपोर्ट के लिए तो उतों दिल्ली नूं जिहड़ा कि जाया जाऊगा। लेकिन दिल्ली की तस्वीर चंडीगढ़ एयरपोर्ट की तस्वीर सामने आई जिथे कि सुनील जाखड़ भी नाल सीगे राहुल गांधी के प्रियंका गांधी के। उस तो बाद हुण चरणजीत चन्नी जिहड़े कि ने वह भी अमृतसर तो निकल के जिहड़ा कि दिल्ली वल नूं जा रहे हैं। कहा जा सकता है कि दो चीज़ां ने इहदे विच, पहली गल जिहड़ा कि एक पासे पार्टी दे मुख्यमंत्री ते डिप्टी CM जिहड़े कि वह ऐलान हो चुके हैं, लेकिन काडर किहड़ी होगी जिहड़ी कैबिनेट है वह किहड़ी होगी उहदा हजे तक ऐलान जिहड़ा कि नहीं होया।
तो कैबिनेट के उत्ते विचार वटांदरा जिहड़ा कि वह भी किया जाऊगा। अज सुखजिंदर सिंह रंधावा होर ने भी जिहड़ा कि कहा साफ तौर पर कि हाईकमान वालों ही फैसला लिया जाऊगा कि कैबिनेट के कौन कौन होएगा, वजारत के कौन कौन होएगा। दूजे पासे सुनील जाखड़ जिन्हों का सीएम की रेस के सब तो अगे ना सीगा, सुनील जाखड़ भी जिहड़ा कि दिल्ली बुलाया गया। साफ तौर पर गल की जाए तो मुलाकात अज होनी सी, लेकिन हजे तक राहुल गांधी समा जिहड़ा कि मुलाकात नहीं दिता गया। तो अज या कल दे जदों भी मुलाकात सुनील जाखड़ होर वालों की जाती है राहुल गांधी के नाल, तो जरूर कहा जा सकता कि जिहड़ी नाराजगी ने, क्योंकि जे आपां इतिहास देखिए तो हमेशा सुनील जाखड़ नूं कदे ना कदे कुरबानी पार्टी दे लई देनी ही पैंदी है। इस बारी जो प्रधान की गल हुई तो उदों भी कुरबानी देनी पई, इस तो पहला भी CLP दे लीडर का अहुदा जिहड़ा कि उह छड्डना पिया सीगा सुनील जाखड़ नूं। तो इस बारी जिहड़ा कि पार्टी वालों हाईकमान वालों एक कोशिश की जा रही है कि सुनील जाखड़ जिहड़े कि उह रुस के जिहड़ा कि कितें इधर उधर ना जाण, उहदे लई कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके नाल उन्हां नूं पार्टी दे विच एडजस्ट किया जाए। तो ये भी जरूर इनफॉर्मेशन सामने आई है सोर्सिस तो कि सुनील जाखड़ नूं आने वाले समय के राज्यसभा की सीट जिहड़ी कि है वह ऑफर की जा सकती है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके नाल हमेशा तो कुरबानियां जिहड़े कि सुनील जाखड़ वालों दी गई है तो उसका मुल जिहड़ा कि जरूर कांग्रेस वालों दिता जा सकता हाईकमान वालों जिहड़ा कि सुनील जाखड़ नूं, क्योंकि एक पुराने एक सुलझे हुए पॉलिटिशियन ने टकसाली कांग्रेसी कहा जा सकता उन्होंने, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एक लीडर एक वधिया लीडर जिहड़े कि है कैप्टन अमरिंदर सिंह वो जरूर खो चुके हैं, लेकिन इस वक्त सुनील जाखड़ खोण की स्थिति दे विच कांग्रेस नजर नहीं आ रही, तो कोशिश भी की जा रही है कि उन्होंने बचा लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनमोल जानकारी देने के लिए। तो भिखीवेंड तरन तारण तो वड्डी खबर है कि KTF के 3 कारकुन गिरफ्तार किए गए हैं, 2 हैंड ग्रनेड, एक विदेशी पिस्टल, प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बरामद करने का दावा पंजाब की पुलिस ने किया है। टारगेट किलिंग के मामले में इन दारा जोड़ के देखिया ने, गिरफ्तार किए गए 3 कारकुना का जिक्र मोगा जिले दसया जा रहा है। मुलजमान की पहचान कंवरपाल कुलविंदर कमलप्रीत वजो हुई है। कतल करने का इरादा एक्सप्लोजिव एक्ट आर्म्स एक्ट तहत परचा दर्ज करके तरन तारण की पुलिस ट्रायल अदालत में लाने का जिक्र कर रही है कि पूर्ण तौर पर रिमांड हासिल किया जाएगा। मनीष साढ़े सहयोगी तरन तारण तो साढ़े नाल जुड़े हैं। मनीष की लगता है पंजाब पुलिस ने जिस हिसाब नाल केस बने है, इन्वेस्टिगेशन के दायरे किस तरह के वधाए गए ने, किस तरह के दावे तरन तारण की पुलिस कर रही है? जी बिल्कुल किशन, लगातार इस तरह की बरामदगियां या इस तरह की गिरफ्तारियां किसी ना किसी साफ हो रहा है कि किसी पंजाब का माहौल बिगाड़न वास्ते जी विदेशी ताकत ने वो अपनी पूरी ताकत निचोड़ पे ने। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह साड़ी पंजाब पुलिस है या एजेंसी जिस तरह काम कर रही है, लगातार इस तरह की बरामदगियां किसी उन्होंने इस तरह के मनसूबे जोड़े ने लगातार खत्म किए जा रहे हैं। फिलहाल जो ताज़ा मामला भिखीवेंड है, इतों के पिंड भगवानपुरा च नाका लगाया गया है पुलिस वालों, उस दौरान जोड़े तीनों जोड़े आरोपी ने खालिस्तान टाइगर फोर्स के दसे जा रहे हैं कार च आए थे, जिन्होंने गिरफ्तार किया गया। फिलहाल उन्होंने को 3 USA मेड पिस्टल्स बरामद हुई हैं, 40 जिंदा राउंड बरामद हुए हैं, 2 हैंड ग्रनेड बरामद हुए हैं, इस अलावा 2 प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जोड़े ने दसे जाते हैं बरामद हुई है, जिन्होंने दसा जा रहा है कि टिफिन बंब जरा शायद वो टिफिन बंब वर्गे से, लेकिन हजे तक यदि पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जरा दसा जा रहा कि प्लास्टिक एक्सप्लोजिव से। फिलहाल तिना की गिरफ्तारी तो बाद अज अदालत पेश किया गया, 25 तरीक तक उन्हों का पुलिस रिमांड मिले, पूछगिछ दौरान जोड़े होर खुलासे हो सकते हैं। लेकिन ये एक दोषी है जरा कंवरपाल सिंह, जरा कि कुछ महीने पहले ही कैनेडा तो वापस आया है, जितों खालिस्तान टाइगर फोर्स जी है ऑपरेट करती है। तो यह भी दसाया जा रहा है कि खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो चीफ है हरदीप निजर के जड़े ने बहुत नजदीकी दसाया जा रहा है अर्शदीप, तो ही अगे कंवरपाल सिंह जरा उन्होंने वास्ते काम करता है। लेकिन इतने जरा भिखीवेंड वाले एरिए से वो जी चीज़ा बरामद हुई ने उन्होंने लुकाने वास्ते इतने आ रहे थे, लेकिन कितने वरते जाने से इस चीज़ का हजे खुलासा पुलिस ने नहीं किया, लेकिन मनिया जा रहा है कि किसी टारगेट किलिंग की वारदात को अंजाम दिता जाना थी। लेकिन वो टारगेट कौन सी पुलिस ने हजे चीज़ साफ नहीं की है, कहा जा रहा है कि कुछ चीज तो बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। लेकिन लगातार देखो तुम लगातार आप गल करिए पिछले कुछ दिनों की टिफिन बम मिलना या हैंड ग्रनेड मिलना लगातार जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। सुन खबरों की जानकारी विच कृष्ण सिंह नु आ गया दियो।